नमस्कार दर्शकों, आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ ही आज चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, जो कि 19 नवंबर 2021 12:48 से शुरू हो जाएगा और 4:47 पर समाप्त होगा। इस बीच में आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें। इस बार चंद्र ग्रहण भारत के लिए आंशिक चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन ग्रहण तो ग्रहण होता है। इस बीच में कोई शुभ कार्य ना करें और खासकर गर्भवती महिला, नवजात शिशु और जो भी महिला या बूढ़े लोग बीमार हैं, उन्हें भी खास चीज़ें बरतनी चाहिए। आज के दिन बता दें कुछ उपाय हम आपको, जिससे कि आपके जीवन में आ रही परेशानियाँ टल जाएंगी। आप अगर कुछ ज्योतिषों का कहना है और कुछ पुराने जमाने के लोगों का भी कहना है कि यह चंद्र ग्रहण आंशिक है तो क्या हुआ, ग्रहण तो ग्रहण होता है, ग्रहण जैसी ही सावधानियां बरतनी पड़ती है। भले ही हमारे पूरे विश्व में कहीं भी पड़ रहा हो, ग्रहण का प्रभाव कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। वहीं कुछ का मानना है कि यह ग्रहण भारत, विशेषकर उत्तर भारत के लोगों के लिए खास महत्व रखता है, तो आप ध्यान दें। लेकिन आप अपने पंडित या घर के बुजुर्गों से भी इस बारे में सलाह करके फिर आप घर से बाहर जाएं और कुछ सावधानियां बरतें। आज हम आपको ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को भी विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, उसके उपाय बताने वाले हैं। खास करके ग्रहण के दौरान अपने पास किसी भी प्रकार का धारदार हथियार, चाकू या नेल कटर या कोई भी ऐसी चीज़ जो धारदार हो, उसे बिल्कुल ना रखें। आप उसे छुएं भी ना उस दिन। ग्रहण के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा समय में आप पूजा मंत्र या भगवान की धार्मिक किताबों का अध्ययन करें। ग्रहण के बाद आप स्नान कर लेना। और आपको बता दें, ग्रहण के दौरान अगर संभव हो पाए तो अपने पेट पर गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा गेरू, जो होता है लाल कलर का गेरू, जिसे हम किसी पूजा पाठ में स्वास्तिक बनाने के लिए या फिर लीपने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस गेरू का लेपन थोड़ा सा कर लें या बिंदी लगा लें। आप अपनी पेट की नाभि पर काजल भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से अपने बच्चे पर बुरी छाया नहीं पड़ती है। और आप बिल्कुल ध्यान रखें इस दिन, आज के दिन, कि आप बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें, दिन हो चाहे रात हो। आप जब तक 24 घंटे ना हो जाएं, घर के अंदर, छत के अंदर रहें, दरवाजे के बाहर ना झाँकें। ग्रहण का प्रभाव कुछ घंटों के लिए ही नहीं होता है, जब तक 24 घंटे ना हो जाएं, आप इस बात की सावधानी रखें। कोई भी ग्रहण हो, आप अपने घर से ना निकलें। आप अगर आपके बच्चे छोटे हैं, नवजात शिशु हैं या फिर 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो उन्हें घर से बाहर ना निकलने दें, क्योंकि कहा गया है कि ग्रहण का इतना दुष्प्रभाव होता है कि बच्चे या कोई भी अपंग हो सकता है, उसकी शारीरिक कोई भी क्षमता कम हो सकती है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें और कोई भी ऐसा निर्णय ना लें कि जिससे आपको यात्रा करनी पड़े। इस बीच में यात्राओं को भी टाल दें, इसका विशेष महत्व होता है कि ग्रहण एक ग्रहण होता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले आप ग्रहण का समय देख लें। बस इतना ध्यान रखें कि ग्रहण के समय पर आप उस कार्य को ना करें। दोस्तों, और भी कई उपाय हैं जो हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप उन उपायों को अवश्य देखिएगा। पूर्णिमा से रिलेटेड कई ऐसे उपाय बताए हैं जो आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे, लक्ष्मी प्राप्ति वगैरह के, आप उन्हें भी अवश्य देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।